लगेगा। डबल फिल्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 13-13 इंच का उनके पास अगर दो फिल्म है, ऐसे तो पेपर 26 इंच का आता है, लेकिन अगर पेपर उनका जो है वो 26 इंच का है और फिल्म 13-13 इंच का दो पीस है, तो वो कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए ये भी मशीन जो है निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार का मशीन जो है ये भी है, ये भी ऑर्डर आया है उस जगह से जहाँ पे दो मशीन ऑलरेडी पहले जो है लेमिनेशन वो चला रहे हैं। और ये है सीट कटर मशीन, सीट कटर मतलब सीट काटने वाला जो मशीन आता है, वो सीट कटर मशीन भी जो है इधर निर्माण किया गया है। एक पीस उधर रखा हुआ है, एक पीस ये निर्माण हो रहा है। आपको जो है पेपर लेमिनेशन मशीन का मॉडल दिखाता था। कृष्णा इंटरप्राइजेज में अनेकों जो है मॉडल बनाई जाती है पेपर लेमिनेशन मशीन की, और बहुत दूर दूर तक जाती है। जैसे कि यहाँ का मशीन आसाम में चल रहा है, सूरत में चल रहा है, नासिक में चल रहा है, उसके बाद पंजाब में चल रहा है जहाँ मशीनों का जो है खदान है, वहाँ से भी लोग जो है बिहार के कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है पेपर लेमिनेशन मशीन ले गए। वापिस से हुई इस फैक्ट्री में एक नए अपडेट के साथ और एक नए मॉडल के मशीन के साथ, जो कि हर लोगों का जो है ज़रूरतों को जो है पूरा करने वाली यहाँ मशीन आपको मिलेगी। देखिए, नए लोग जो है वो 5,000-10,000 रुपये के चक्कर में गलत जगह से मशीन पकड़ लेते, बाद में उन्हें जो है यहाँ आके रिपेयर करवाते हैं या फिर पार्ट्स ले जाते हैं तब मशीन सही से चलता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक बार यहाँ अगर विजिट कर लीजिएगा ना, तो सब जो मॉडल है वो मॉडल देख लीजिएगा, और मॉडल जब देख के समझ के और खुला हुआ पार्ट्स अगर देख लीजिएगा तो आपको जो है ख़रीदने से पहले जो बेसिक जानकारी होती है वो जानकारी आपको मिल जाएगा और आप जो है ठगाने से बच जाइएगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। तो दोस्तों ये है पेपर लेमिनेशन मशीन, जो कि है डबल पिनियन में, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसमें एक और फीचर ऐड हुआ है। और ये मशीन जो रेडी किया जा रहा है, ये मुंबई के लिए रेडी किया जा रहा है। ये मशीन जो है रेडी होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट में जो है लग के मुंबई के लिए चली जाएगी। इस मशीन में खास बात यह है कि जिन लोगों को डबल फिल्म चलाना होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें डबल ब्रेकर लगा हुआ है, एक ब्रेकर नीचे और एक ब्रेकर ऊपर, इस तरीके का मशीन आपको पूरे बिहार में जो है, पूरे भारत में जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और ये उन लोगों के यहाँ जा रहा है जो लोग पहले से 10-10 मशीन लगा चुके हैं, 4-5 लेमिनेशन मशीन उनके यहाँ पहले से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ कुछ लगा है तभी वो इस प्रकार का मशीन ऑर्डर दिए हैं और वो इस प्रकार का मशीन जो है ले जा रहे हैं। अब इस चीज़ का मैं खासियत आपको मैं बारीकी तरीके से समझाता हूँ, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 32 इंच साइज में 4 इंच चैनल बॉडी में इसको जो है बनाया गया है। बेलन का क्वालिटी मैं दिखाऊँ तो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का, ये स्टील में और रबर में 3 कटर के साथ इस मशीन को जो है निर्माण किया गया है। इसका ओवरऑल बॉडी साइज जो है वो 50 इंच का है, यानी 4 फीट कुछ इंच, और इसका जो है लंबाई जो है वो लगभग जो है 15x20 के जगह में ये शिफ्ट होने वाली मशीन है। काफ़ी बेस्ट और बेहतरीन लाइन लेंथ में बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें डबल फिल
डबल फिल्म का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो पेपर इसका यहाँ लग जाएगा और एक फिल्म यहाँ लगेगा और दूसरा फिल्म यहाँ लगेगा। डबल फिल्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 13-13 इंच का उनके पास अगर दो फिल्म है, ऐसे तो पेपर 26 इंच का आता है, लेकिन अगर पेपर उनका जो है वो 26 इंच का है और फिल्म 13-13 इंच का दो पीस है, तो वो कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए ये डबल फिल्म के लिए लगाया गया है कि एक तरफ 13 इंची का फिल्म यहाँ लग जाएगा और एक तरफ यहाँ लग जाएगा, और वही फिल्म क्या करेगा, गम से होते हुए 26 इंच के पेपर पर चिपकते हुए चल जाएगा। अगर 13-13 इंच का आपका एक साल पत्ता का फिल्म है और एक केला पत्ता का फिल्म है, यानी दो फिल्म है और दोनों का ऑर्डर है, तो साल पत्ता वाला नीचे लगा दीजिए, केला पत्ता वाला ऊपर लगा दीजिए, या केला पत्ता ऊपर और साल पत्ता नीचे। तो इसमें क्या होगा कि डबल फिल्म आपको काम कर जाएगा एक ही पेपर पे। तो इसीलिए इस मशीन को जो है बनाया गया है ताकि जो है छोटा से छोटा फिल्म और बड़ा से बड़ा फिल्म जो है इस पर चल सके और रॉ मटेरियल का जो है प्रोडक्शन बेस्ट क्वालिटी का जो है करके दे सके। और बगल में आप देख रहे हैं ये भी मशीन जो है निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार का मशीन जो है ये भी है, ये भी ऑर्डर आया है उस जगह से जहाँ पे दो मशीन ऑलरेडी पहले जो है लेमिनेशन वो चला रहे हैं, और वो चला रहे हैं झारखंड में। झारखंड के का एक जगह है जो कोडरमा के अगल बगल में है, उसी जगह पे जो है ये मशीन बन के जाएगी, वहाँ से ऑर्डर आया है जो इस टाइप का जो है ये भी इसको बनाया जाएगा। अभी ये निर्माण ही हो रही है, कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम के द्वारा ये अभी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन ढंग का जो है रॉड यूज किया गया है, गुना कटा हुआ स्टील बेलन और रबर और स्टील में इस मशीन को बनाया गया है। 4 इंची का जो है लोहा इसमें दिया गया है, देख सकते हैं हेवी क्वालिटी में, और काफ़ी बेहतर पिनियन के साथ इसे रेडी किया जा रहा है। इधर रेडी किया हुआ मशीन में दिखा दूं तो ये है सीट कटर मशीन। सीट कटर मतलब सीट काटने वाला जो मशीन आता है, वो सीट कटर मशीन भी जो है इधर निर्माण किया गया है, एक पीस उधर रखा हुआ है, एक पीस ये निर्माण हो रहा है। तो ज़्यादातर जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको रॉ मटेरियल बनाने वाला ही मशीनों मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल बनाने का मशीन जो है वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का और फ्रेश मिलता है। सिंगल डाई डबल डाई तो सब परचेज कर लेते हैं कहीं कहीं से, उनको प्रॉब्लम जब आता है तो कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा सर्विस मिलता है, तब जो है दोबारा बार वो मशीन जो है खरीदते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज से। इसीलिए ज़्यादातर जो है उनको यहाँ पे हम लोगों को, इन लोगों को जो है ज़्यादातर लेमिनेशन मशीन ही बनाना पड़ता है। तो ये अभी लेमिनेशन मशीन पे ही काम हो रहा है, एक इधर अभी रेडी करके रखा गया है जिसमें मोटर उटर लग के अभी रेडी हो जाएगा, और दूसरा ये अभी बन ही रहा है, बनने के बाद वैसा कलर इसको किया जाएगा, उसके बाद इस पर भी जो है मोटर वगैरह लगा करके और चालू कर दिया जाएगा। आप लोगों का सवाल होगा कि भाई कृष्णा इंटरप्राइजेज में आना कैसे है, तो ये 4 लाइन जो NH 22 रोड है वो NH रोड के ठीक बगल में है, ये चंद्रहटी चौक है जो कि ये बलिया ओवरब्रिज से 2 किलोमीटर आगे और तुर्की ओवरब्रिज से 2 किलोमीटर पीछे, दोनों के बीच में ये स्थित है पटना वाली रोड में। कहीं से भी अगर आपको आना है तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, और कांटेक्ट करने के बाद एड्रेस लोकेशन ले लीजिए और यहाँ आप विजिट कर लीजिए। तो एक बेहतर अपडेट जो है आज की इस वीडियो में मैं दिया हूँ। सो अगर आपको पेपर लेमिनेशन मशीन किसी भी रेंज में चाहिए, आप अगर डीलर है या फिर आप नया जो है रॉ मटेरियल का बिजनेस करना चाह रहे हैं या नया पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप इस कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दिया हूँ एक बेस्ट मशीन के, और अगर आपको इस तरीके का अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका जो है पहले से मशीन है उसमें भी अगर डबल पिनियन का सिस्टम या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार जो है रिंकल आ रहा है, तो इस तरीके का अनेकों प्रॉब्लम से आप जो है वो प्रॉब्लमों का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो आप टेक्नीशियन जो है ले सकते हैं, पार्ट्स ले सकते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको जो है वो टेक्नीशियन प्रोवाइड हो जाएगा, पार्ट्स प्रोवाइड हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा। केवल आप सर्विस के लिए ही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मशीनों के लिए जो दिया गया है उस नंबर पे संपर्क कीजिए, सर्विस आपको और पार्ट्स इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिल जाएगा। सो मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए आइडिया के साथ। इस तरीके का जो है वीडियो जिन लोगों के पास नहीं है, जानकारी का अभाव है उन्हें से,
सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।